सहारनपुर के थाना तीतरो में उच्च अधिकारियों के निर्देशन में कोतवाली तीतरो परिसर में रंगों के त्योहार होली पर्व पर आयोजित की गई शांति समिति की बैठक में थाना अध्यक्ष सत्येंद्र राय ने मीटिंग में जहां खास प्रबंध किए वहीं सभी विभागों के लोगों को मीटिंग में आमंत्रित किया। सभी ने अपने अपने स्तर से होली पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। साथ ही देश में फैल रहे कोरोना वायरस की अफवाह को सिरे से खारिज किया और कहा कि अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। उन्होंने कहा सामाजिक तत्व पूरी तरह पुलिस की रडार पर है। नगर पंचायत ईओ अलकेंद्र सिंह ने नगर में नागरिकों से साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इस अवसर पर गंगोह सीडीपीओ शारदा रानी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां आशाएं ग्राम प्रधान विद्युत कर्मी पशु चिकित्सक लेखपाल कानूनगो तथा आबकारी इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे जहां सभी ने एक सुर में होली पर्व पर मिलावटी तथा अवैध शराब का सेवन न करने की अपील की। एसडीएम पूरण सिंह राणा ने कहा कि कोरोना वायरस जैसी अफवाहों पर ध्यान न दे विशेष साफ सफाई का ध्यान रखे। वहीं त्योहार पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए शालीनता के दायरे में रंगों के त्योहार को मनाने की अपील की गयी। इस कमेटी की बैठक यहाँ थाना तीतरो में बुलाई गई थी और सभी लोगों को होली के संबंध में बताया गया है और विशेष रूप से शराब जो नकली शराब यहाँ पे चलती है उसके संबंध में सभी को सतर्क किया गया है और आबकारी इंस्पेक्टर और जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं सभी को निर्देशित किया गया है कि इस ओर विशेष ध्यान दें और जनता से ये अनुरोध किया गया है कि होली के दिन शराब पी के लोग गाड़ियाँ न चलाएँ और यदि ऐसा कोई चलाता हुआ पाया गया तो उनको थाने में बंद किया जाएगा, उन खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और एसओ को ये निर्देश दिए गए हैं कि क्षेत्र में जो इस प्रकार के सांप्रदायिक भावना को भड़काने वाले लोग हैं या हुड़दंग मचाने वाले लोग हैं इस प्रकार के व्यक्तियों के पूर्व से ही 151 में कार्रवाई करें और जिनको हम लोग 151 में जेल भेजें और 14 दिन तक उनको वहाँ पे रखा जाएगा। इस प्रकार के लोगों को शरारती तत्वों डीजे के संबंध में सभी इंस्पेक्टर को बताया गया कि सभी की सूची तैयार कर लें और किन किन लोगों ने डीजे की बुकिंग कराई है उनकी भी सूची प्राप्त कर लें और डीजे वालों को बता दें जो ये आयोजक हैं होली के कि वो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत ही डीजे बजाएंगे और इससे ज़्यादा आवाज़ में यदि बजाते हैं तो उनके डीजे को बंद कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।